Dear students, Assalamu alaikum. Today we are still continuing with our vendors, but to keep our vendors information up to date, we need sometimes to create an additional field which is not already present in QuickBooks. What is this? कि QuickBooks बुक्स ने एक सेट ऑफ फील्ड्स जो कि एक वेंडर की इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सके हमें फराहम की है लेकिन एंड मुमकिन है कि हमें चंद और इंफॉर्मेशन की रखने की ज़रूरत पेश है इस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए वी नीड अ फील्ड टू कैप्चर दैट इंफॉर्मेशन वी कैन ऐड दैट एडिशनल फील्ड बाय यूजिंग द कस्टमाइज फील्ड प्रोसेस बहुत सी दफ़ा जो हम अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं या अपने वेंडर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा किस टाइप की इंफॉर्मेशन की या किस टाइप की गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है इसी तरह हम अपने वेंडर्स को भी क्लासिफाई करना चाह रहे होते हैं कि ये वेंडर्स हमें किस किस्म की सर्विस या गुड्स दे सकते हैं हो सकता है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में ही कैप्चर कर लें लेकिन बाज़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है मिसाल ये है कि हम अपने चार्ट अकाउंट में ये कहते हैं कि हमारे पास ये सप्लायर्स हैं जो हमें सीमेंट देते हैं या ये वो सप्लायर्स हैं जो हमें किसी कस्म की बेचने के लिए गुड्स देते हैं कोई भी हो सकते हैं लेकिन हमें ये क्लासिफाई करना है कि ये कौन से ब्रांड के गुड्स हैं ब्रांड का मतलब ये है कि अगर हम सीमेंट ले रहे हैं तो सीमेंट ये कौन सी कंपनी का है किस टाइप का सीमेंट है क्योंकि आम तौर पर हमारा ये ख्याल होता है कि जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो एक ही किस्म का सीमेंट हमारे जहन में आता है लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट में आप जाएंगे तो आपके आपको एक से ज़्यादा टाइप्स के सीमेंट मिलेंगे मिसाल के तौर पे ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसके अलावा वाइट सीमेंट इसके अलावा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट अब हमें ये देखना है या हमें यह क्लासिफाई करने की ज़रूरत पेश आ गई है कि हमारा वेंडर हमें किस टाइप का सीमेंट सप्लाई करता है बाद दफ़ा ये भी हो सकता है कि हम ये देखना चाहें कि ये हमें किस ब्रांड का ये हमें सीमेंट सप्लाई कर रहा है हो सकता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हम हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो हमारे सप्लायर्स हैं या वेंडर्स हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप के सीमेंट हमें सप्लाई करें एज एंड वन रिक्वायर्ड और जब भी हो सकता है कि किल्लत हो हम एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर जाएं ये सारी इन्फॉमेसन एक वक्त में हमें अपने पास कंप्यूटर पे रखनी लाजमी होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई बुक्स हमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या मौजूदा हालात में ये सारी इन्फॉर्मेशन रखने की कोई हमें सहूलत देता हो लेकिन हमें ये सहूलत ज़रूर देता है कि हम एडिशनल फील्ड्स इसमें बनाएं और ये इंफॉर्मेशन रख लें आइए क्विक बुक्स पे चल के देखते हैं कि हम कस्टमाइज फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कैसे पॉपुलेट करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन कैसे डालेंगे ताकि हम इसके ऊपर बेस करके नई रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स एज यू कैन सी वी आर एट आर होम पेज एंड टू नेविगेट ओवर टू योर वेंडर सेंटर और यू नीड टू डू इसलिक ऑन वेंडर एंड एज़ यू कैन सी वी आर इन आ वेंडर सेंटर अब जो हमें इन्फॉर्मेशन रखनी है वो आपको पता है कि ये किस ब्रांड का या किस किस्म का सीमेंट हमें फराहम करता है सीमेंट सप्लायर को हमने सेलेक्ट किया और इस वेंडर को हमने एडिट किया अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन वाली स्क्रीन आ गई है जिसमें इसकी सारी डिटेल पहले से मौजूद है जो हमने पहले से भर दी थी यू हैव टू डू इज गो टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन टैब जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएंगे तो बॉटम राइट right पे आपको एक बटन नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा डिफाइन फील्ड्स इन एडिशनल इंफॉर्मेशन गो टू डिफाइन फील्ड्स जब आप डिफाइन फील्ड्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है लेकिन हम ऑन आर पार्ट वी नीड टू एड अ फ्यू मोर जो हम ऐड करना चाह रहे हैं वो है टाइप ऑफ सीमेंट और टाइप ऑफ स्टील जो भी फील्ड हम ऐड करना चाहेंगे उसको हमें लिखना है लेबल के अंदर हमने दो फील्ड ऐड की हैं दोनों को हमने लेबल के अंदर डाल दिया है एक का नाम है टाइप ऑफ सीमेंट एक का नाम है टाइप ऑफ स्टील अगले तीन कॉलम्स में वी कैन असाइन दीज फील्ड्स टू आइदर अ कस्टमर वेंडर और इम्प्लॉयिज इम्प्लॉयज वो हैं जो कि हमारे मुलाजमीन हैं लेकिन एट द मोमेंट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज़, वी आर गोइंग टू अप्लाई और एसोसिएट दीज फील्ड्स टू आर वेंडर्स ओनली वी कैन इफ यू वॉन्ट टू अटैच दीज टू आर कस्टमर्स एज वेल बट फॉर द मोमेंट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज अटैच दीज टू न्यू एडिशनल फील्ड्स टू आर वेंडर्स ओनली आप देख सकते हैं कि हम दो नई फील्ड्स का हमने यहाँ नाम दिया है और उनको टिक मार्क के साथ अटैच कर दिया है वेंडर के साथ पहला कस्टमर दूसरा वेंडर एंड थर्ड इज द एम्प्लॉय ओके करें अब ये हमसे कह रहा है यू हैव एक्टिवेटेड कस्टम फील्ड फॉर दिस लिस्ट यस वी हैव एंड वी आर गोइंग टू इनवोक दैट जैसे ही आपने ये किया दो कस्टम फील्ड्स आपके सामने नज़र आ गई एक कस्टम फील्ड है टाइप ऑफ सीमेंट और एक है टाइप ऑफ स्टील क्योंकि सीमेंट सप्लायर हमें सीमेंट ही दे रहा होगा तो हम उसे ये दूसरी कंपनी है अनदर वे टू एंटर ऑल डिटेल एंड राधा मोर इजिली इज एड मल्टीबल पे आप आ जाए और कस्टमाइज कॉलम पे आए लेट्स एड दीज टू एडिशनल फील्ड एड एंड वंस अगेन एड अनदर फील्ड वी कैन मूव दैम अप इफ यू वॉन्ट टू दिस वन टू ना यू कैन सी दैट दीज टू फील्ड्स नाओ अपियर ऑन योर स्क्रीन और जहाँ जहाँ हमने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है हम डाल सकते हैं अब जबकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है वी आर गोइंग टू सेव दीज चेंजेस

ऑन डिफरेंट विंडस इस पूरी को एक जगह एक वक्त में देखने के लिए हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगी लेकिन वी विल डू दैट इन आर नेक्स्ट सेक्शन इन दिस सेक्शन वॉट यू हैव लर्न इज हाउ टू क्रिएट एडिशनल कस्टमाइज फील्ड विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन बेसिकली फिल्टरिंग द इंफॉर्मेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट और उसको पॉपुलेट कैसे करें उसके अंदर डेटा कैसे डालें हो सकता है कि आप चाहेंगे कि एक एक करके डालें लेकिन अभी आपने देखा कि एक एक करके डालने में काफ़ी टाइम लगता है इसलिए ऑल यू नीड टू डू इज यूज़ द एड मल्टीपल वेंडर ऑप्शन और वहाँ जाके आप जिस जिस अपने वेंडर के सामने वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डालना चाहें सबसे पहले आप दोनों अपने नई फील्ड्स ऐड करें कैसे कस्टमाइज कॉलम्स के साथ और जहाँ जहाँ आपने वो इंफॉर्मेशन डालनी है जस्ट कीप ऑन एंट्रिंग जस्ट लाइक यू डू इन अ एक्सेल फाइल आसानी से सारी इंफॉर्मेशन फौरन आपके पास मौजूद हो गई है इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूटिलाइज एडिशनल और कस्टमाइज फील्ड इन आर रिपोर्ट्स फॉर द मोमेंट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू एड एडिशनल फील्ड्स इन योर डेटा बेस एंड हाउ टू पॉपुलेटेड किस तरह से हम ऐड करेंगे और किस तरह उसमें नया रिकॉर्ड और नई इंफॉर्मेशन फीड करके सेव करेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे